नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी दर्शकों का। भगवान 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 भगवान, सुबह नींद खुलते ही सबसे पहले भगवान याद आते हैं। भगवान आज का दिन अच्छा करना, महीना शुरू होते ही भगवान याद आते हैं। भगवान ये महीना अच्छा बिताना, साल शुरू होते ही भगवान याद आते हैं। भगवान ये साल अच्छा बिताना, कुछ काम करने जा रहे हैं तो भगवान से कहते हैं भगवान ये काम बनवा देना, भगवान इस मुसीबत से बचा लेना, भगवान ये दिला देना, सब कुछ तो भगवान के भरोसे छोड़ दिया। और जो भगवान ने बनाया है उसको मानना नहीं, लेना भगवान से है, मांगना भगवान से है, लेकिन भगवान ने जो नियम बनाया उसको नहीं मानना। तो चलिए, भगवान फिर भी बड़ा दयालु है। वो कहता है चल मेरे बच्चे हो तो तुमको मैंने बनाया, लगता मेरे बनाने में कोई कमी रह गई होगी। अब जिसके बच्चे नालायक निकल जाते हैं, कोई काम धंधा नहीं करते हैं, तो उनके माँ बाप उनको खिलाते हैं ना सारी जिंदगी। भगवान कहते हैं लगता मुझसे ही कोई गलती रह गई होगी, तुमको जो मैं सही ज्ञान नहीं दे पाया, तुम्हारी बुद्धि में कोई पेच ढीला रह गया मेरी वजह से। अब तुम तो दिन भर मांगते रहते हो तो मैं ही तुम्हारा भला करूं। तो भगवान कहते हैं कि तुम मानो या न मानो, मैं अपनी गलती मानकर तुम्हें 5 मौके देता हूं सफलता के, 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 5 मौके। इन 5 मौकों से तुम अपना जीवन बना लो, मैं अपनी गलती को सुधारने के लिए हर महीने तुमको ये मौके दूंगा। लेकिन इंसान इतना नालायक है ना, वो भगवान पे भी भरोसा नहीं करता, वो तब भी अपने मन की करता है। भगवान धरती पे आ सकते नहीं, आपको अपने पास बुला सकते नहीं, बेचारा भगवान बड़ा परेशान है, करे तो क्या करे। अब वो ग्रहों के माध्यम से आपको मौके देता है, कुछ लोग समझ जाते हैं, कुछ लोग अज्ञान रहते हैं और हर महीने कहते हैं दिया नहीं दिया नहीं दिया नहीं, जब दिया तो लिया नहीं लिया नहीं। आइए जुलाई के महीने में भगवान क्या दे रहे हैं मिथुन राशि वालों को, मैं आपको बताता हूं। सफलता के वो 5 संकेत जो आपको सफलता दे सकते हैं, बशर्ते आप लेने वाले बने, है ना। तो अगर आप लेने वाले हैं तो ईश्वर आपको ये सफलता देने वाला है। ये 5 संकेत ग्रहों के माध्यम से बनेंगे। ये जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, अगर मेरी बात आपके दिमाग में घुसती है, आपको समझ आती है, तो करिएगा, वरना मत करिएगा। क्यों नहीं करिएगा? क्योंकि समझेंगे है नहीं और बाद में माहौल खराब करेंगे। सत्य हर इंसान सुन नहीं सकता। अगर समझ में आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, समझ में नहीं आती है तो मत करिएगा, माहौल खराब मत करिएगा। मेरे जो चाहने वाले लोग हैं ना, बहुत बढ़िया लोग हैं। आइए जानते हैं पहला शुभ संकेत कौन सा ग्रह देगा। तो पहला शुभ संकेत आपको दे रहे हैं सूर्य भगवान। सूर्य देखिए इस धरती पर चमकने वाला ग्रह, रोज हम उनके दर्शन करते हैं। अब लोग कहते हैं ना, देखिए अब इंसान कितना निकम्मा है, कितना मूर्ख है, मैं आपको यहां पे बताता हूं। कहते भगवान दिखते नहीं, अब भगवान रोज सुबह उगते हैं, वक्त से टाइम बता के उगते हैं, कल 6 बजे उगूंगा, परसों 5:30 बजे उगूंगा, 7 बजे उगूंगा, पंचांग में है ना। और लेकिन इंसान सोता रहता है तो भैया भला कैसे होगा, सूरज ही भगवान है ना, है कि नहीं। तो भगवान रोज बताते हैं कि मैं कल इतने बजे उगूंगा, सालों से उग रहा हूं और आधे से ज्यादा दुनिया सोती रहती। तो अब गलती किसकी है भैया, एक बार सोच लेना, फिर कमेंट बॉक्स में लिखना तुम्हारी या भगवान की। सारे माता पिता, पड़ोसी अड़ोसी, स्कूल, किताबें यही कहती थक गई कि जितनी जल्दी उठोगे उतनी जल्दी लाभ होगा, जो सुबह उठा वही मालामाल बना, सेहत से भी पैसे से भी। तो सूर्य भगवान आपको पहला शुभ संकेत दे रहे हैं। अब सूर्य भगवान जो है 16 जुलाई को कर्क राशि में चले जाएंगे, उससे पहले मिथुन राशि में होंगे, ठीक है जी। तो जब मिथुन राशि आपकी राशि का है, यानी कि लग्न में हो गए, फिर चंद्रमा की राशि में यानी सेकंड भाव में चले जाएंगे, यानी 1 से 16 तक लग्न में, फिर उसके बाद कर्क में।
इसको कर्क संक्रांति बोलेंगे। अब सूर्य जब प्रथम भाव में होते हैं तो सूर्य राजा है, तो आपके अंदर राशि गुण लेके आएंगे, आपकी राशि के स्वामी बुध के करीब भी रहते हैं, तो आप दुनिया को आकर्षित कर पाएंगे कि लोग आपसे जुड़े, लोग आपके पास आए, आप अपने कामों से लोगों को आकर्षित कर पाएंगे। सूर्य यहाँ पर बलवान होते हैं, आप दूसरों को प्रभावित कर पाएंगे अपने काम से, आप मजबूत होंगे, शारीरिक आकर्षण होगा, आपके अंदर नेतृत्व करने का गुण होगा, यानी लोगों को अपनी उंगलियों के इशारे पर नचा सकते हैं, भीड़ को संबोधन कर सकते हैं, जोखिम उठाएंगे, डरेंगे नहीं, आगे बढ़कर जोखिम उठाकर काम करेंगे, मुसीबतें खत्म करेंगे, अपने अधिकार को पाएंगे, जो लेने आए थे वो लेके जाएंगे, मूछ उबाकर भागेंगे नहीं। दूसरों की भावनाओं को भी समझिएगा, कई बार ज्यादा क्रोध, ज्यादा आक्रामकता भी हो जाती है तो दूसरों की भावनाओं को इंसान कुचल देता था, वो मत करिएगा, अच्छे राजा बनिएगा। राजनीति में सफलता, सरकारी नौकरी में सफलता, सरकारी विभाग में सफलता, आप जो सोच लेंगे, जो कर लेंगे कि आज मुझे ये करना है, फिर वो करके रहेंगे। आपने ये सोच लिया कि मुझे इस महीने में इतनी सफलता पानी है, यहां जाना है, वहां से लाना है, ये करना है, जो लिस्ट बना ली, जो योजना बना ली, उसको करके रहेंगे, फिर आप पीछे नहीं मुड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, पढ़ाई पूरी हो जाएगी आपकी, आपकी आयु भी लंबी होगी। जो भी आप सोचेंगे कि पैसा कमाने के लिए मुझे नौकरी करनी है, व्यापार करना है, वो पक्का होगा, कच्चा पक्का काम नहीं होगा, बहुत ही बढ़िया रहेगा, हिम्मत से भरपूर होंगे, थोड़ा क्रोध होगा, सूर्य में गर्मी है तो गर्मी आपके अंदर भी रहेगी, तो नरमी और गर्मी का ध्यान रखिएगा। एक नेतृत्व दे रहे हैं यहाँ पर, तो ये सूर्य का आशीर्वाद ही तो मिल रहा है, सूर्य रास्ता बना रहे हैं आपके सरकारी नौकरी के लिए, प्राइवेट नौकरी के लिए। और अगर आप सड़क पर जाकर पत्थरबाजी करेंगे, हो हल्ला मचाएंगे, तो सूर्य खराब हो जाएंगे। सूर्य सरकार है, सूर्य क्या है, सरकार, और सरकार के मुंह पे अगर आप तमाचा मारेंगे, सरकार को आप गाली देंगे, तो सफल नहीं हो पाएंगे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। आपके घर की सरकार कौन चलाता है, आपके पिताजी चलाते हैं, है ना, मुखिया होते हैं आपके पिताजी। अगर आप अपने पिता को गाली दें तो पिता आपको लात मार के घर से भगा देगा, तो पिता का तो सम्मान घर में करना है, और जो सरकार है, जो राज्य है, उसका, जो देश है, उसका भी सम्मान करना है, वरना सूर्य कभी अच्छा नहीं हो सकता, इस बात को गांठ बांध लीजिएगा। परीक्षा प्रतियोगिता का अर्थ समझेंगे, हाँ घर में कोई झगड़े हो सकते हैं, पैसों के मामले को लेकर जर जोड़ू जमीन के झगड़े हो सकते हैं, जब सेकंड भाव में सूर्य जाएंगे तो वहां पर संभल कर फैसले लेने होंगे, तो बहुत ही बढ़िया है, ध्यान से चीजों को करिएगा, सूर्य आपको चमका देंगे। दूसरा जो आपको शुभ संकेत मिलने वाला है वो बुध देंगे, बुध जो है लग्न में होंगे, भद्र नामक योग बनाएंगे, 2 तारीख से ही दिग्बली हो जाएंगे, आनंद ही आनंद, अपनी राशि का स्वामी मेहरबान तो फिर गधा भी पहलवान, उत्साह होगा आपके अंदर, बुध आपको लचीला बना देंगे, जैसा वक्त वैसे आप, बहुत ही बढ़िया, नौकरी पेशे में आपको तरक्की होगी, पूरा पूरा मौका मिलेगा, पूरा पूरा सम्मान मिलेगा, आप ये नहीं कहेंगे कि हमें वक्त ने कुछ नहीं दिया, वक्त आपके साथ है, बेइंतहा वृद्धि होगी, शानदार होगा सब कुछ, आमदनी के 10 नए रास्ते खुलेंगे, अगर आपकी बुध की दशा महादशा चल रही है, सूर्य की दशा महादशा चल रही है, तो आनंद आ जाएगा, जीवन के हर एक क्षेत्र में बुध आपको सफलता दे देंगे, वाणी से आप दिल जीत लेंगे, ज्ञान से आप दिल जीत लेंगे, किसी भी काम से घबराएंगे नहीं, आगे बढ़ते चले जाएंगे, मजा ही मजा। 17 तारीख के बाद बुध स्थान परिवर्तन कर लेंगे, मालव योग खत्म, लेकिन इस भाव में भी शुक्र बहुत, बुध बहुत अच्छे होते हैं, दिमाग तेज हो जाएगा, चुनौतियों का सामना करेंगे, लड़ेंगे, डरेंगे नहीं, आप वीर हैं, वीरता का प्रदर्शन करेंगे, ना वक्त बर्बाद करेंगे, ना पैसा बर्बाद करेंगे, ना शब्द बर्बाद करेंगे, बस सफलता को प्राप्त करेंगे। जुए सट्टेबाजी से बचिएगा, प्रेम संबंध वैवाहिक जीवन में खुशहाली आएगी, पैसा संपन्नता आएगी, नौकरी लगेगी, फ्रेशर्स को लाभ होगा, नया स्टार्टअप लगेगा, नया बिजनेस लगेगा, दिमाग के घोड़े दौड़ेंगे, जब दिमाग के घोड़े दौड़ेंगे तो विजय भी प्राप्त होगी, घर बैठकर पैसा कमाएंगे, घर बैठकर सफलता पाएंगे, चारों तरफ से सफलता ही सफलता।
तीसरा शुभ संकेत आपको दे रहे हैं गुरुदेव, क्योंकि गुरुदेव क्या कर रहे हैं, गुरुदेव हंस नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, जैसे शुक्र ने मालव योग बनाया ऐसे ही 29 जुलाई को वक्री जरूर हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सब कुछ दे जाएंगे, आपकी पोजीशन बढ़ जाएगी, आपका रुतबा बढ़ जाएगा, आपका कद बढ़ जाएगा, आप कुछ बढ़िया करेंगे, नाम रोशन करेंगे, कमाएंगे, धन कमाएंगे, वाणी से, व्यापार से, शिक्षा से, ज्ञान से, अपने हुनर से, अपनी कला से अमीर बन जाएंगे, सेहत सही कर लेंगे, परिवार के लोगों का साथ देंगे, घर वालों के गिले शिकवे दूर होंगे, बड़ी बड़ी बीमारियों का अंत होगा, मेहनती होंगे, देश विदेश में सफलता होगी, व्यापार नौकरी में परिवर्तन होगा, कुछ अच्छा होगा, भाग्योदय हो जाएगा, पिता की सेवा शुभ फल देगी, कानून या कानूनी मामलों में आप बहुत अच्छा करेंगे, वकील हैं तो केस जीतेंगे, मैं कहता हूं सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, आपकी पोजीशन जो है वो टाइट हो जाएगी, बढ़िया मजेदार आनंद। अब अगला शुभ संकेत जो है वो शनि देंगे, शनि नवम भाव में बैठे हैं, वैसे तो भैया वक्री है, लेकिन शुरुआती कुछ दिनों में शनि देव आपके लिए अच्छा करेंगे, ढैया शुरू जरूर हो जाएगी, शनि का प्रभाव भी पड़ेगा, लेकिन छुटपुट बहसबाजी लड़ाई झगड़ों से बचिएगा, शनि देव, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप याद रखें, शनि देव जब वक्री हो जाएंगे आपके क्या कहते हैं अष्टम भाव में आ जाएंगे तो लड़ाइयां बढ़ती, यानी थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देंगे आपको, तो अपने घर के बड़ों से, बॉस से या किसी भी बड़े से तू तू बह मत करिएगा, छुटपुट बहसबाजी से बचिएगा और शेयर मार्केट में पैसा संभल के लगाइएगा, सोचिए समझिए सुनिए फिर जवाब कीजिए, इतना ध्यान रख लीजिएगा, गंदगी और आलस से दूर रहिएगा और अपने पिता अपने दादा अपने पूर्वजों की बात मानिएगा, उनका सम्मान करिएगा और हनुमान चालीसा पढ़िएगा। अगला शुभ संकेत आपको जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं मंगल, मंगल 11वें भाव में होंगे, आनंद ही आनंद होगा, पैसा ही पैसा होगा, शुरुआत में खूब पैसा आएगा, शुरुआती 15-20 दिन आपको खूब पैसा मिलने वाला है, आपके जो सीनियर हैं उनका सपोर्ट मिलेगा आपको, एक दूसरे की मदद से आपके काम चलेंगे, वैवाहिक जीवन में जो तनाव था वो कम हो जाएगा, पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा तनाव कम हो जाएगा, मेहनत तो होगी लेकिन सफलता भी मिलेगी, 100% मेहनत करिए 200% रिजल्ट ले जाइए, गुरु की स्थिति मजबूत है इसलिए बहुत ज्यादा तकलीफ नहीं होगी क्योंकि राहु साथ में बैठे हैं, लेकिन मंगल आपको बहुत कुछ देंगे, बहुत ही बढ़िया, मंगल आपको कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, मंगल भी आपका पूरा सहयोग कर रहे हैं आपको सफलता दिलाने में, मंगल आपके लिए कहते ना गड्ढा खोद के सफलता निकालेंगे, जमीन खोद के सफलता निकलेगी, आसमान फाड़ के सफलता निकलेगी, और राहु भी है, अगला संकेत शुभ जो है वो राहु का है, राहु भी 11वें भाव में है और 11वें भाव में राहु बहुत बढ़िया होते हैं भाई साहब, मान लीजिए आप 11वें भाव में हर ग्रह बढ़िया होता है तो आपको बहुत मौके देंगे, चालाकी के मौके देंगे, 2x2 कहते ना 2x2 4 होता है लेकिन आप 2x2 5 बना देंगे, ऐसी चालाकी होगी आपके अंदर, कोर्ट कचहरी के मामले, लड़ाई झगड़े के मामले, इन सब में विजयी हो जाएंगे आप, आपके ऊपर जो संकट है उसको खत्म कर देंगे, इज्जत बढ़ाएंगे, खर्चे बढ़ सकते हैं ध्यान रखिएगा, मान सम्मान भी बढ़ेगा, पैसा भी बढ़ेगा, रुतबा भी बढ़ेगा, अगर कोई शत्रु कोई आपको ना चाहने वाला इंसान आपकी पीठ में खंजर भोंक कर आपको पीछे कर रहा था, आपको परेशान कर रहा था और आपको पता भी नहीं चल रहा था, तो राहु और मंगल उस शत्रु को पटक पटक के मारेंगे और आपकी सफलता का रास्ता खोल देंगे, यानी आपको पता चल जाएगा कि मेरी पीठ में खंजर किसने भोंका, कौन था जो मेरी चुगली करता था, कौन था जो मेरे पीठ पीछे मेरे काम बिगाड़ता था, आपका दिमाग इतना तेज चलेगा और आप उसको पकड़ लेंगे, है ना, ये बढ़िया संकेत, जिसने अपने शत्रु को अपनी परेशानी को पकड़ लिया फिर तो सफलता उसकी है। अंतिम बढ़िया संकेत जो दे रहे हैं शुक्र दे रहे हैं, विदेश जाकर नौकरी दिला देंगे आपको, डॉक्टरी में आपको अगर आपका इंटरेस्ट है तो अच्छा काम करा देंगे, यानी डॉक्टर बना देंगे, कुछ लोग योग मेडिटेशन अध्यात्म में जानना चाहते हैं उनके लिए भी बढ़िया रहेगा, व्यापार चमक जाएगा बढ़िया हीरे जैसे चमकेगा, प्यार दिखेगा, पैसा दिखेगा, कला के प्रेमी होंगे,
विदेश जाने के रास्ते बनेंगे, शानो शौकत पर खर्चा होगा, घर में जो नहीं था वो आएगा, जो कबाड़ था वो जाएगा, अच्छी चीजें आएंगी, विपरीत के प्रति आकर्षण यानी विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ेगा, इंटरकास्ट मैरिज या प्यार हो सकता है, मॉडलिंग, टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया, इन सब जगह सफलता मिल सकती है, छोटे जगह पे नहीं बड़े ऑफिस में काम करेंगे, विदेशों में नाम होगा, हंसी खुशी मस्ती में वक्त बीतेगा। अगर मैं ये कहूँ कि मिथुन राशि वाले जातक जातकाओं के लिए ये 5 या 6 संकेत जो मैंने आपको बताए सफलता की गारंटी है, आप ये कह लें कि जैसे गंगा जल पवित्र है वैसे ही ईश्वर ने ये शुभ योग आपके लिए पवित्र बनाए, बस आप पवित्र हो जाइएगा। आप इस महीने कम से कम मेहनत करिएगा, आलस मत करिएगा और सच्ची मेहनत करिएगा, दिखावटी मेहनत मत करिएगा। अब कुछ लोग कहेंगे आपने बहुत अच्छा बोला, बहुत शानदार बोला, लेकिन हमें तो कुछ नहीं मिला। अरे बिल्कुल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आप सिर्फ सुनने में यकीन रखते हैं, करने में यकीन नहीं रखते। आपको इसलिए भी नहीं मिलेगा क्योंकि आपने अपनी जन्म कुंडली के ग्रहों को कभी सुधारा ही नहीं। आपको इसलिए भी नहीं मिलेगा क्योंकि आप ज्योतिष के अनुसार नहीं चले। आपको इसलिए भी नहीं मिलेगा क्योंकि आपने अपने बड़ों की नहीं सुनी, आपने अपने अनुभव का प्रयोग नहीं किया, आपने रीस की, आपने दूसरे की देखा देखी करी। पाने के लिए कुछ छोड़ना भी पड़ता है। आपने छोड़ा कुछ नहीं, बस पाने की इच्छा रखी। कुछ छोड़ेंगे तो कुछ पाएंगे। रात में भोजन करते हैं ना, बहुत बढ़िया स्वादिष्ट भोजन करते हैं, अगर सुबह पेट की साफ ना हो तो कितनी तकलीफ होती है। रात का भोजन सुबह तक आप अपने पेट में नहीं रख सकते, जो लाखों का हजारों का खा के आते हैं। लेकिन व्यक्ति अपनी बुराइयों को नहीं छोड़ता है। जैसे जब आपका पेट क्लियर हो जाता है तो आपको सब कुछ अच्छा लगने लगता है, और जिसका पेट क्लियर नहीं होता वो व्यक्ति घर पे बैठे नौकरी भी नहीं जा पाता। तो अपने अंदर की जो गंदगी है, अपनी जो बुरी आदतें हैं, इनको छोड़िए, इनको रख के क्यों बैठे हैं। ये एग्जांपल मैंने इसलिए दिया क्योंकि ये जल्दी समझ में आएगा। जिसका जितना पेट साफ उतना उसका दिल बढ़िया, जितने आपके बुरे कर्म बुरी आदतें साफ होगी उतना दिन बढ़िया बीतेगा। लेकिन हमारी आदत है कि हम गंदगी को भी नहीं फेंकते। आप में से आधे से ज्यादा घरों में जो लोग मुझे देख रहे होंगे कूड़ कबाड़ भरा होगा, फेंकेंगे कुछ नहीं, सब हमारा है। इधर घुसेड़ दो, उधर घुसेड़ दो, इधर रख दो। जिस घर में गंदगी है, जिस घर में कूड़ा करकट है, फालतू की चीजें है, वहां लक्ष्मी नहीं आएगी। घर को भी साफ रखिए, मन को भी साफ रखिए, पेट को भी साफ रखिए और अपने विचारों को भी साफ रखिए और साफ विचारों से काम करिए। मैं गारंटी देता हूं दुनिया में एटम बम भी फटेगा ना तो भी आप बच जाएंगे। एटम बम से को भी आप फेल कर सकते हैं, इतनी ताकत है आपके अंदर। कोई समस्या, कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें और जोश में काम करिएगा, बेहोशी में काम मत करिएगा। नमस्कार।